हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋषभ सिंह रावत आपके साथ। आज हम बात करेंगे यूएफा मैन ऑफ द ईयर और वुमेन ऑफ द ईयर जो प्लेयर के अवार्ड मिले थे लास्ट टाइम, उसके बात करेंगे। मोनाको, गुरुवार की रात को ये सेरेमनी हुई थी। फ्रांस से मोनाको एक सिटी है जहाँ पे हर बार की तरह ऑर्गेनाइज करा जाता है ये जो इवेंट होता है। हाँ, आपको बता दें कि 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो यूरोपियन फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने डिस्कस किया था कि एक हमें इवेंट सेरेमनी करनी चाहिए बैलन डी'ओर की तरह, जिसमें हम इनको दे सकें जितने भी अवार्ड्स हैं। जी हाँ, हमको बता दें कि ये मेन्स के लिए बेस्ट फॉरवर्ड, बेस्ट मिडफील्डर, बेस्ट डिफेंस से लेके वुमेन्स के लिए सेम कैटेगरीज होती हैं। और जो वर्जिल वैन डाइक है, उन्होंने मतलब सबको शॉक में डालते हुए लियोनेल मेसी और रोनाल्डो को बीट किया है इस अवार्ड के लिए। वर्जिल वैन डाइक वही हैं जो लिवरपूल के नंबर 4 हैं, सेंटर बैक हैं, उनके कप्तान हैं, और साथ ही में वो नीदरलैंड्स के भी कप्तान हैं। जी हाँ, जो डिफेंसिव जो बैकलाइन है वो संभालते हैं वो। लास्ट ईयर लिवरपूल को उन्होंने मतलब ट्रायम्फ करवाया था चैंपियंस लीग में। टॉटनहैम को 2-0 से उन्होंने शिकस्त दी थी फाइनल में। वहीं अगर नीदरलैंड से बात की जाए तो वो यूएफा लीग ऑफ नेशंस के फाइनल तक गई थी, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल ने उन्हें फाइनल में हरा दिया था। तो ये दिखाता है कि अगर आप यूरोपियन ऑल ओवर फुटबॉल की बात करें तो सीजन बहुत ही अच्छा रहा था उनके लिए। साथ ही मैं आपको बता दें, जो प्रीमियर लीग में था वहाँ पर लिवरपूल ने सेकंड एज अ रनर अप फिनिश किया था। मैनचेस्टर सिटी जब वो टाइटल लीग जीती थी, सेकंड फिनिश किया था लिवरपूल ने। जो जर्गन क्लॉप की टीम है वो एज अ मैनेजर उस पर मैनेज करते हैं, एज अ हेड कोच हैं, उस टीम से जुड़े हुए हैं। वर्जिल वैन डाइक का जो कद है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले उन्होंने PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड लिया, जो इंग्लिश लीग में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है। अब आई बारी यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर की, वो उन्होंने ट्रॉफी बीट करते हुए, मतलब मेसी और रोनाल्डो ऐसे दिग्गजों को बीट करते हुए उन्होंने ट्रॉफी अपने नाम की। अब फाइनल जो उनका थर्ड फाइनल हर्डल है, अगर वो थर्ड टाइम लकी साबित हुए तो बैलन डी'ओर भी अपने नाम कर सकते हैं, जिस तरह उनका परचम लहरा रहा है हर ग्लोबल फोरम में देखने को मिल सकता है हमें। हम वहीं बात करते हैं जो वर्जिल वैन डाइक थे। वर्जिल वैन डाइक के अलावा किस किस प्लेयर ने अपनी ट्रॉफी नाम की, क्योंकि बेस्ट फॉरवर्ड ऑफ द सीजन का अवार्ड गया था मेसी को। बेस्ट मिडफील्डर का जो अवार्ड था वो भी बार्सिलोना में उनके साथ जो मिडफील्ड में दिखते हैं इस बार, फ्रैंकी डी जोंग को, वो एजैक से खेलते थे लास्ट सीजन में। नीदरलैंड के खिलाड़ी वो भी अच्छे फील्डर है, यंग टैलेंट है, बहुत ही एस्पायरिंग टैलेंट है। और जब डिफेंडर की बात आती है तो वर्जिल वैन डाइक ही रहेंगे। जी हाँ, मतलब बहुत ही नॉर्मल बात है, जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर रहा था वो अपनी पोजीशन से तो बेस्ट रहेगा ही। अब जब गोलकीपर की बात आती है तो वो भी लिवरपूल के गोलकीपर हैं। जी हाँ, एलिसन बेकर, जिनका कोपा अमेरिका में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, ब्राजील को उन्होंने कोपा अमेरिका जिताया, और साथ ही में लिवरपूल को एज अ रनर अप फिनिश करवाया हमने उन्होंने प्रीमियर लीग में, और चैंपियंस लीग में उन्होंने ट्रायम्फ की। जी हाँ, वो बहुत ही अच्छा फाइनल था। क्लीन शीट मेंटेन करना फाइनल में बहुत बड़ी बात है, भले ही वो इतना रोमांचक मैच नहीं था, लेकिन फिर भी जब भी हम उसको देखते हैं ना, जब हिस्ट्री के कैलेंडर्स को देखेंगे तो हम हमेशा ये देखेंगे कि 2-0 लिवरपूल जीती थी वो मैच फाइनल में, तो ये था। लेकिन जब सोशल मीडिया की बात आई तो बहुत सारी आलोचना हो रही है यूएफए की गवर्निंग बॉडी को लेकर, क्योंकि उनने कहा कि जब आप इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे, इंडिविजुअल के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स पे ये ट्रॉफी देते हैं, ये अवार्ड देते हैं, तो आप लियोनेल मेसी को कैसे भूल सकते हैं। हाँ, आपको एक बार याद दिला दें कि लियोनेल मेसी ने लास्ट जो उनका सक्सेसफुल सीजन था, जो कैंपेन था, उसमें क्या क्या उन्होंने स्टैट्स और रिकॉर्ड ब्रेक किए। हम आपको एक बार डिटेल में बता दें कि जो गोल्डन बूट था, गोल्डन बूट मतलब टॉप स्कोरर थे यूरोप के, वो सबसे ज़्यादा उन्होंने चैंपियंस लीग के टॉप स्कोरर थे, सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स उनके नाम है, सबसे ज़्यादा गोल जो फ्रीकिक से मारते हैं वो उनके नाम है, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच उनके नाम है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पाँच इतने टॉप पर रहे हैं वो। हम आपको ब्रीफ में बता दें कि उन्होंने 10 गेम खेले हैं टोटल चैंपियंस लीग में, यूरोपियन 10 गेम्स खेले हैं, 12 गोल थे उनके नाम, 3 असिस्ट थे, तो फिर भी उनके हाथ से ये ट्रॉफी स्लिप हो गई। लेकिन एज अ फुटबॉल फैन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक बार पहली बार हमने तवज्जो दी है डिफेंडर को। पहली बार का मतलब ये है क्योंकि 2011 से जब से ये एडिशन चलता आ रहा है, जब से यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी चलती आ रही है, हमेशा कोई मिडफील्डर या विंगर जीता है। रोनाल्डो और उनके बीच ये 5 बार शेयर हुई है मेसी के बीच ट्रॉफी, वहीं फ्रैंक रिबरी एक बार जीते हैं, एक बार आंद्रेस इनिएस्टा जीते हैं बहुत ही अच्छे कैंपेन के लिए, और लास्ट ईयर जीते थे लुका मॉड्रिच रियल मैड्रिड से। तो ये देखने को मिलता है कि अगर हम एक रिनाउंड एक सेंटर फॉरवर्ड को या किसी भी सेंटर बैक को अगर अक्लेम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है फुटबॉल के लिए, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि गोल्स डिसाइड द मैच, तो ये नहीं होता है। लोग बैकलाइन में बहुत काम करते हैं, गोलकीपर का और डिफेंडर का भी महत्व उतना ही है जितना मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड्स का है। तो फिलहाल इतना ही। अगर आपको और भी फुटबॉल अपडेट्स चाहिए हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर मैं वर्जिल वैन डाइक नहीं तो कौन सा दूसरा प्लेयर था जैसे यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी जीतनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच।